ट्रांसफर पर लगी रोक मोहन सरकार हटाएगी। देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रदेश में पिछले 1.5 साल से तबादलों पर लगी रोक मोहन सरकार हटाने जा रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति तैयार कर ली है। विभागीय मंत्री ने इसका अनुमोदन भी हो गया है। अब जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी। इसके अनुरूप ही मध्य प्रदेश में तबादले किए जाएंगे। इसके पहले राज्य सरकार ने मोहन कैबिनेट के मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया और प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही तबादले किए जाएंगे। इसके लिए सरकार के प्राथमिकता वाले जिलों का प्रभार वरिष्ठ मंत्रियों को दिया गया है। 2022 में तबादलों से रोक हटी थी। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के चलते तबादलों पर रोक नहीं हटाई गई। तब से लेकर अब तक केवल मुख्यमंत्री श्रवण भाई से ही तबादले हो रहे हैं। अब दोनों ही चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को हित को ध्यान में रखते हुए तबादलों से रोक हटाने जा रही है। नई तबादला नीति के तहत तबादले किए जाएंगे। 20% से अधिक तबादले नहीं होंगे। एक जिले से दूसरे जिले के अंदर तबादले के लिए प्रभारी मंत्री की अनुशंसा अनिवार्य है। एक निश्चित अवधि में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले होंगे, लेकिन किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक तबादले नहीं किए जाएंगे। तो यह थी तबादलों को लेकर लेटेस्ट अपडेट। नई तबादला नीति मोहन कैबिनेट में होगी पेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।